नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बिया क्लासे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि सर ECR और ECNR क्या होता है, क्या क्लास 10th जो फेल है उसका पासपोर्ट नहीं बनता है क्या, जो क्लास 5 है उसका पासपोर्ट नहीं बनता है क्या, सिर्फ क्लास 10th के ऊपर वालों का ही पासपोर्ट बनता है क्या। दोस्तों, कई सारे ऐसे कमेंट थे कि मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपको जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती है उन्हें भी जानना चाहिए कि ये सब जो क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछा है उसका मतलब क्या होता है, इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, पहला हम उठाएंगे ECR और ECNR क्या होता है, इसके बाद आप बताएंगे कि आप क्लास 10th के फेल हैं तब बन सकता है क्या, क्लास 10th के बाद वालों का पासपोर्ट कैसा होगा और क्लास 10th के नीचे वालों का पासपोर्ट कैसा होगा। तो देखिए, ECR ECNR क्या होता है, तो मेरे हाथ में जो पासपोर्ट है, मेरे हाथ में जो पासपोर्ट है यह ECR है। ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। देखिए, यहाँ लिखा है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यहाँ देखिए। तो इसका मतलब इस पासपोर्ट से ही पता चल गया कि इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है, चेक करने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि इमिग्रेशन जो ऑफिसर होगा एयरपोर्ट पर जब जाएंगे तो इमिग्रेशन जो ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, आपका जो क्लियरेंस के लिए आपका ही चेक करेगा, ठीक, क्लियरेंस वही पास करेगा, तब आप जो है अदर कंट्री में जाएंगे, वर्क वीज़ा आपका है, वर्क करना चाह रहे हैं, किसी कंट्री में काम करना चाह रहे हैं, तो ECR हो गया। ECNR क्या होता है, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। देखिए, अगर ये ECR है, ECNR रहेगा तो इसमें जो है इस तरह नहीं लिखा रहेगा, उसमें जो है उसका मतलब होता है नॉट रिक्वायर्ड, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो देखिए, दोनों क्लियर हो गया, पहले फुल फॉर्म क्या है ECR और ECNR। अब देखिए, ECR किसका बनता है, तो देखिए ECR किसका बनता है कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड किसकी जरूरत किसको होती है, तो साफ जाहिर है कि जो क्लास 10th के नीचे है, यानी कि क्लास 10th फेल है, क्लास 5 तक ही पढ़ा है, क्लास 8 तक पढ़ा है, उसको ही रिक्वायर्ड होगी चेक करने की, इमिग्रेशन चेक जो रिक्वायर्ड है उसी को जरूरत होगी, क्योंकि वो क्लास 10th के नीचे है, उसको जो है हो सकता है कि उसे किसी कोई फर्जी माध्यम से, धोखाधड़ी के माध्यम, चीटिंग के माध्यम से कोई फंसा सकता है, इसीलिए वहाँ पर लिखा रहता है ECR। तो अगर क्लास 10th से नीचे है तो आपका क्या बनेगा, ECR बनेगा। देखिए, आपका लिखा रहेगा जब पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो फॉर्म में आप ECR जो है डालेंगे, यानी कि आप क्लास 10th के नीचे दिखाएगा, वो ऑप्शन आएगा उसमें क्लास 10th के बिलो, क्लास 10th के अबव आएगा, 10th के नीचे, यानी क्लास 10th का मतलब ये हो गया कि आप 8th पढ़े हैं, 5th पढ़े हैं, उन लोगों का जो है ECR में पासपोर्ट बनेगा। पासपोर्ट सबका बनेगा, जो क्लास 10th पास है उसका भी पासपोर्ट बनेगा, जो क्लास टेंथ फेल है उसका भी पासपोर्ट बनेगा, दोनों का पासपोर्ट बनेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, देखिए सिमिलरिटी है कि आप अगर चाहें विजिट वीज़ा पे दोनों ECR और ECNR दोनों से घूम सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वर्क घूम सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा से लेकर जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन वर्क वीज़ा के लिए आपको ECR वालों को क्या करना पड़ेगा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो आपका क्लियरेंस करेगा, तब जाके आपको अदर कंट्री में एंट्री मिलेगी। लेकिन ECNR वालों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, यानी कि क्लास 10th पास हैं, तो इसका मतलब उनको सब कुछ आता है, तभी वो क्लास 10th पास किए हैं। आप क्लास 10th पास नहीं है, इसीलिए आपको चेक करने की आवश्यकता है। तो देखिए, मेरा मानना है कि आप जो है क्लास 10th अगर पास हैं तो बनवाएंगे तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि आप बिना कोई क्लियरेंस के ही पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, वर्क वीज़ा मंगा कर आप वर्क के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ECR हैं, क्लास 10th के नीचे वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको एयरपोर्ट पे आपका क्लियरेंस के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे अफसर आपके साथ क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा, क्योंकि उसको डर है कि आपके साथ चीटिंग ना हो, धोखाधड़ी ना हो। तो इस तरह से आप प्रयास करिए, अगर क्लास 10th फेल है तो कोई बात नहीं, ECR आपके लिए तो बनना ही बनना है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप क्लास 10th पास है तो आप एक काम करिए, क्लास 10th का मार्कशीट लगाइए, आपका ECNR जो पासपोर्ट बनकर घर आएगा, ताकि आपको अदर कंट्री में जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो में इतना ही।